नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा 342 रैंक आया है मेरी सेकंड अटेम्प्ट में, और मतलब अच्छा लग रहा है। तो कैसे तैयारी रही, कितने साल आपने कहाँ से कोचिंग ली? मैंने अपने फर्स्ट ईयर में ही तैयारी शुरू कर दी थी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, धीरे धीरे, और फिर मैंने उस तैयारी को बिल्ड किया, सेकंड थर्ड ईयर में उसको और बढ़ाया, और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, तो मतलब 3-4 साल हो गए हैं मेरे को तैयारी करते हुए। तो मैंने कोचिंग के लिए, मैं दिल्ली में जब मेरा कॉलेज था SRCC, तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने फर्स्ट ईयर में कोचिंग ले ली थी, और फिर बाकी कोचिंग मैंने ऑनलाइन करी और बाकी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल को रेफर किया। तो आपने बताया कि आपका सेकंड अटेम्प्ट था, तो कैसे, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्या मेंटल प्रेशर रहा इस दौरान आपके? मतलब थोड़ी जर्नी लंबी है तो चैलेंजेस रेगुलरली आपको लगते ही हैं कि आ रहे हैं, और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अपना मोमेंटम कंटिन्यू करना, वही मतलब मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। पर मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब लोग बहुत सपोर्टिव थे, और मेरे को बहुत अच्छी मेंटोरशिप मिली मेरी टीचर्स वगैरह से, तो मतलब उतना मेरे लिए चैलेंजिंग पर्टिकुलरली लॉन्ग रन में नहीं था। अब जब शॉर्ट मोमेंट्स में होता है तो फिर मतलब आपकी फैमिली वगैरह वो आपको सपोर्ट करते हैं, आप ब्रेक्स ले लीजिए, मैं रेगुलरली ब्रेक्स लेता रहता था, तो उस तरीके से मैं अपने चैलेंजेस से डील कर पाता था। तो माता पिता का और टीचर जो रहे हैं उनका कितना, कहते हैं, मार्गदर्शन रहा आपको इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? डेफिनेटली देखो, UPSC के एग्ज़ाम में गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि आपको ये बहुत डिसाइड करना पड़ता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अगर आपको अच्छे मेंटर्स मिल जाएं जो आपको बताएं कि क्या चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, लिखना कैसे है, तो उसमें मेरे को बहुत हेल्प मिली, नो डाउट। और मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मतलब वो कभी मेरे को टेंशन नहीं लेने देते थे, और मतलब जब मैं लो फील करता था तैयारी के दौरान, किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करता था, तो बहुत इंकरेजिंग रहते थे। तो मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम लंबा है, मैराथन की रन की तरह है, तो आपको बहुत पेशेंस चाहिए, तो वो उस तरीके से बहुत हेल्प करते हैं पेरेंट्स। तो जब रिजल्ट आया और आपका जो रैंक थी आया, तो उसके बाद क्या प्रतिक्रिया थी? खासकर माता पिता को बहुत उम्मीदें होती हैं बच्चे से। नहीं मतलब सबको अच्छा लगा, सब बहुत खुश हुए, तो मतलब सबको यही था कि अच्छी बात है, हम उम्मीद भी कर रहे थे, और फिर रैंक आया तो सबको अच्छा ही लगा। तो अब आपको सिविल सेवा में जो है चुना गया है, क्या प्राथमिकता रहेगी, किस विभाग में, या किस तरह से आपकी जो प्राथमिकता रहेगी भी वहाँ अगर हो तो आप अच्छा काम कर सकते? मेरा ये मानना है कि मतलब सिविल सर्विसेज में जो भी हमें काम दिया जाएगा, मैं उसको उसको उसमें बेस्ट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस से हम उसको करें। पर उसकी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि ये इस प्रोसेस में जो मतलब ये चयन हो रहा है और इतने बच्चे दे रहे हैं और इसको इतना प्रतिष्ठा है, तो इस प्रोसेस में जो सिविल सर्विसेज का सर्विस एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं हम लोग उससे दूर भागते जा रहे हैं। तो मैं जो सिविल मतलब सेवा का सेवा वाला भाव है वो बहुत लोगों तक ले जाना चाहता हूँ, मतलब उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस सेवा का उद्देश्य आप लोगों की ज़िंदगी में मतलब बेटरमेंट लाने के लिए, तो वो मेरा सबसे बड़ा फोकस रहेगा। उसके लिए मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो ब्यूरोक्रेसी में हम एक बहुत बड़ा वो डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं नॉर्मल लोगों से, वो मतलब मैं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। तो जो अभी UPSC का अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या टिप्स देना चाहेंगे? मतलब मैं सबको यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके बहुत जल्दी वो ना करें, आराम आराम से पढ़ें, मोमेंटम बनाएं, क्योंकि ये लंबा टाइम है, लंबा प्रोसेस है, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना से कुछ चेंज नहीं होता, तो आपको बेस जितना स्ट्रांग होगा तो आप उसको बहुत धीरे धीरे लीजिए, पेशेंस लीजिए, अपनी प्रोसेस को इंजॉय किए करिए, वो मुझे लगता है सबसे बड़ी वो है। और एट द सेम टाइम ये इम्पोर्टेंटली गेज करें कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, मतलब क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कॉन्टेंट आ गया है, तो हमको उस पर ध्यान रखना चाहिए कि किस चीज़ को छोड़ना है और कहाँ अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो सोशल मीडिया और निजी लाइफ जो होती है, पर्सनल लाइफ, उसको उससे भी थोड़ा सा हट के रहना पड़ता है। अब कैसे लगा जब आपको सिर्फ तैयारी कर रहे थे लगातार, कितने घंटे तैयारी कर रहे थे? देखो मैं कभी 7, 8, 9 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा, मतलब मुझे लगता नहीं कि मैं पढ़ भी सकता हूँ, और मैं हर हफ्ते एक दिन तो छुट्टी लेता ही था मेंस के वक्त को छोड़ के, क्योंकि मतलब ताकि मेरा मोमेंटम बना रहे, फिर अगले हफ्ते फिर मेहनत करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बिल्कुल कट ऑफ होके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वही जर्नी लंबी है, तो हमको आराम आराम से करना चाहिए, और ऐसे बिल्कुल कट ऑफ नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम हमें मॉडरेशन और बैलेंस बहुत ज़रूरी है कि हम किसी एक ही चीज़ के पीछे ना रहें, तो बिल्कुल कट ऑफ होने को तो मैं नहीं वो करता इनकरेज, हमको सब कुछ साथ साथ लेके करना चाहिए और इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। CSC सिविल सर्विस का रिजल्ट आई UPSC,
तो वीडियो साहब जैसे राजवाणी वीडियो ऑफिस में पता लगा तो मेरे को बुलाया वीडियो साहब ने फ़ोन करके, और वीडियो साहब ने जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो उन्होंने बताया कि अब बेटे का सिलेक्शन हुआ है और यहाँ बिल्कुल रिजल्ट आया है और UPSC रैंक ये 55 है। तो बड़ी खुशी हुई, पूरे स्टाफ ने मिलकर के सेलिब्रेट किया और बधाई दी, बहुत अच्छा लगा। तो क्या नाम है बेटे को और इससे पहले क्या करता था? इससे पहले बेटा IDS है, इंडियन डिफेंस है, स्टेट सर्विस, अभी शिमला में है और आज जो है रिजल्ट आया है अभी 55 रैंक है। तो जरूरी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिली जाएगी शायद। तो परिवार में कैसा माहौल है आज जब सभी को पता चला, आपको पता चला, तो कैसा आपको महसूस हुआ? परिवार तो चलो मेरा तो परिवार ये भी है वहाँ भी है, मैं पहले तो इस परिवार से मिला हूँ। मेरे को फ़ोन करके वीडियो साहब ने बोला, बड़ी खुशी हुई। SDO साहब ने भी बोला कि यहाँ आ जाओ पहले, तो मैं आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा जो है बधाई दी, मेरे को वेलकम किया। मैं यहीं से रिटायर हुआ था 2022 में, तो पूरे स्टाफ का मैं बहुत आभारी हूँ। तो जो बेटे हैं आपके, उन्होंने किस तरह से मेहनत की थी और क्या कुछ आप संदेश है जो युवाओं को देना चाहोगे? मेहनत की उन्होंने बहुत, अपने आप को एक जो है ना बिल्कुल रिजर्व कर लिया था, एक कमरे में 10x10 के कमरे बंद कर लिया 3-4 साल। उस समय 633 रैंक आई थी, फिर दोबारा बोला पापा मैं एक बार फिर करना चाहता हूँ, तो पेपर दिए दोबारा, तो अभी फिर उसका 80 रैंक आई है। तो जो बाकी युवा है उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मेहनत करो, मेहनत का कोई रीमेक नहीं है, देर इज नो रीमेक एंड सेकेंड शॉट। ना कोई सेकंड शॉट है, मेहनत है तो रहमत है, आशीर्वाद है तभी सबका।